Hey everyone, welcome to Shams IS. I am Shivangi Sharma, and today I am with chapter 3 of class 12 microeconomics specifically. So this chapter is production and cost. ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन और कॉस्ट के बारे में. ठीक है, सो प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें हम इनपुट को, किसी भी इनपुट को ट्रांसफॉर्म करते हैं आउटपुट में. ठीक है, किसी भी चीज़ पे इनपुट लगा के जब हम आउटपुट बनाते हैं तो बीच का तो प्रोसेस इज डैट इज़ नोन एज प्रोडक्शन. ठीक है, तो प्रोडक्शन को भी प्रोड्यूसर या फर्म ही कैरी आउट करेगा. ठीक है, कोई तो करेगा ना प्रोडक्शन. प्रोडक्शन में होता क्या है बेसिकली? प्रोडक्शन में हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे एक टेलर कपड़े बनाता है. ठीक है, एक कार मैन्युफैक्चरर कार बनाएगा, फैक्ट्री बनाएगा. मतलब एक रिक्शा पुलर जो है वो रिक्शा देता है, वो अपनी रिक्शा की राइड प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो किसी भी इनपुट से जो, मतलब फर्म किसी भी इनपुट, किसी भी आउटपुट के लिए जो इनपुट पे करता है, इनपुट का जो पे करता है, डैट इज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, टू एक्वायर इनपुट अ फर्म हैज़ टू पे फॉर देम एंड दिस इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, एक बार कोई चीज़ प्रोड्यूस हो जाए और उसको मार्केट में बेच दिया जाए, उससे जो पैसा आता है डैट इज़ रेवेन्यू. ठीक है, सपोज़ आप एक टेबल का बात करो. ठीक है, दिस इज़ अ टेबल. सो इसको बनाने के लिए आपको क्या लगा होगा? इनपुट वुड प्लस मशीनरी प्लस जो भी हमें चाहिए होती, जैसे स्क्रू चाहिए होगा, जो भी हमें बाकी मशीनरी टूल्स सारा इसमें इंक्लूड हो गया. ठीक है, इन सब का कॉस्ट इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. उसके बाद टेबल को हमने सेल कर दिया इन अ मार्केट. तो किसी भी चीज़ को मार्केट में हम बेचेंगे तो कुछ तो पैसा आएगा, एंड दैट इज़ नोन एज रेवेन्यू. ठीक है, और ये जो कॉस्ट है और ये जो रेवेन्यू है, उसके बीच का डिफरेंस इज नोन एज प्रॉफिट. विल टेक एन एग्जाम्पल. सपोज अ फर्म इज प्रोडक्टिंग अ टेबल. ठीक है, टेबल का एग्जाम्पल लेते हैं, और उस टेबल की प्रोडक्शन में जो कॉस्ट लग रहा है डैट इज़ ऑफ 100 रुपीज़ पर टेबल. ठीक है, हर एक टेबल को बनाने के लिए 100 रुपये का कॉस्ट लग रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रहा है. एंड द फर्म इज सेलिंग द टेबल इन अ रेट ऑफ 150 रुपीज़. मार्केट पे 150 रुपीज़ में उसे बेचा जा रहा है. सो दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड दिस इज़ द रेवेन्यू. Right? So the difference between the revenue and the cost of production is known as profit. So 150 minus 100 is equal to 50, and this 50 rupees is our profit. Clear? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं production function के बारे में. The production function of a firm is the relationship between input used and output produced by the firm. क्या इनपुट एक फर्म यूज़ कर रही है और क्या आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है? द रिलेशन बिटवीन दिस इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन. ठीक है, अब प्रोडक्शन फंक्शन हमें बताता है कि वो कितनी, दिस इज टेकन एज एन एग्जाम्पल. ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए एक फार्मर का एग्जाम्पल लेते हैं. हम एक अज्यूम करते हैं एक फार्मर है जिसके पास सिर्फ दो ही इनपुट है टू प्रोड्यूस व्हीट. ठीक है, दैट इज़ लैंड एंड लेबर. ठीक है, अ पर्सन इज विलिंग टू प्रोड्यूस वीट एंड ही हैज़ ओनली टू इनपुट्स विच इज़ लेबर एंड द लैंड. ठीक है, सो द प्रोडक्शन फंक्शन विल टेल कि कितना अमाउंट वो फार्मर प्रोड्यूस कर सकता है फ्रॉम द गिवन लैंड ही यूजेज एंड द गिवन नंबर ऑफ आवर्स टू द लेबर डेट ही परफॉर्म्स. ठीक है, उस लेबर को कितना काम, कितने घंटे का काम मिलता है और कितने उसके पास लैंड है, इससे हमें पता चलेगा कि वो कितना वीट ग्रो कर सकता है. एंड दिस इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन. ओके, दिस इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन. सो द पॉसिबल एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉर्म कुड टेक इज Q is equal to K upon L, where Q is the amount of wheat. ठीक है, and K is the area of the land. Land का कितना area है हमारे पास, and L is the number of hours. Okay, so
इम्पोर्टेड, अ फर्म यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन अगर आपको करना है तो उस प्रोडक्शन के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ेगी, है ना। हमने प्रोडक्शन, हमने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। व्हाट इज प्रोड क्या क्या होते हैं, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एचआर, व्हिच इज एचआर, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। सो ये चारों जरूरी है, दिस फोर थिंग इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनीथिंग, है ना। सो दीज आर नोन एज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। सो वी मे राइट द प्रोडक्शन फंक्शन एज, प्रोडक्शन फंक्शन को हम लिख सकते हैं एज क्यू इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट एल बाई के। सो एल इज द लेबर एंड के इज द कैपिटल एंड क्यू इज द क्वांटिटी ऑफ एन आउटपुट, ओके। सो जहाँ पे लेबर और कैपिटल है, ठीक है, जहाँ पे मतलब एल लेबर है, के कैपिटल है, क्यू है मैक्सिमम आउटपुट डेट कैन बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास एक टेबल है प्रोडक्शन फंक्शन का। सो फैक्टर है कैपिटल और ये है लेबर, ठीक। सो देखो इफ हमारे पास, देखो कोई भी केस है तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम ईदर वी यूज लैंड और लेबर, वी नीड बोथ, हमें दोनों चाहिए। ऐसा सिचुएशन नहीं आता डेट ईदर वी विल वर्क विद लैंड और लेबर, ऐसा हो ही नहीं सकता, द प्रोडक्शन विल बी जीरो। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज सपोज यू आर अबाउट टू मेक अ एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री, ठीक है। सो फॉर दैट फैक्ट्री यू नीड लैंड, ठीक है। सपोज यू हैव अ मिनिमम अमाउंट ऑफ लैंड नीडेड, ठीक है, यू हैव द सफिशियंट अमाउंट ऑफ लैंड। सो बट यू हैव नो लेबर्स, दान अगर उस फैक्ट्री में काम करने के लिए लेबर ही नहीं है तो प्रोडक्शन होगा अल्टीमेटली नो। इन द सेम केस सपोज यू हैव लेबर्स, यू हैव अ लॉट ऑफ लेबर्स, ठीक है, लैंड एंड लेबर्स, यू हैव दिस इज योर वर्कफोर्स, ठीक है, यू हैव लेबर्स बट यू डोंट हैव लैंड, देन फैक्ट्री कहाँ सेटअप करोगे। सो बोथ ऑफ देम इज नेसेसरी। सो इफ लेबर एंड कैपिटल विल, इफ विल द बोथ इज नीडेड फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे देखो लेबर इज जीरो एंड कैपिटल इज ऑल्सो जीरो, सो अल्टीमेटली द प्रोडक्शन विल बी जीरो, राइट। सो वेन द लेबर इज वन एंड द कैपिटल इज जीरो, देन अगेन देर विल बी नो, राइट, कैपिटल इज नीडेड, विदाउट कैपिटल यू कैन नॉट सेटअप एनी थिंग, है बिना कैपिटल के आप थोड़ी ना मशीनरी लगा सकते हो, थोड़ी ना कैप वो कर सकते हो, ठीक है। लैंड इज ऑल्सो कैप टाइप ऑफ कैपिटल। सो अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं है तो आप ऐसे थोड़ी ना फैक्ट्री सेटअप कर लोगे। सो देयर इज लेबर एंड कैपिटल बोथ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो इधर हम देखते हैं कि वी हेयर वी हैव थ्री लेबर्स एंड वन अमाउंट ऑफ कैपिटल, द सफिशियंट आंसर विल बी सेवन, ठीक है, अपेरेंटली फ्रॉम फ्रॉम द कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन कैन बी ऑफ एनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स। सो हेयर द लेबर इज सिक्स एंड द कैपिटल इज सिक्स। सो हेयर इट इज सेड दैट वी हैव अ सिक्स ऑफ लेबर एंड सिक्स ऑफ कैपिटल, वी कैन प्रोड्यूस 60 अमाउंट ऑफ एनी प्रोडक्ट, ठीक है। सो दिस इज अ टाइप, दिस इज प्रोडक्शन फंक्शन। अ प्रोडक्शन फंक्शन टेल्स अस दैट कितना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो अब आते हैं आइसोक्वांट। आइसोक्वांट में क्या होता है, आइसोक्वांट इज अ काइंड ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इन अ ग्राफ, ठीक है। देखो हमें कितनी कैपिटल और कितना लेबर मिला के कितना आउटपुट मिलेगा, द द कर्व, ठीक है। देखो हमारे पास सपोज इतना हमारे पास कैपिटल है एंड दिस मच इज लेबर, सो जो हमारे पास कर्व बनेगा दैट विल गोना बी दिस वन, ठीक है। इतना कैपिटल इतना वो, वेट अ मिनट, सपोज यू हैव कैपिटल एंड लैंड, ठीक है। सो हेयर इज योर कैपिटल एंड हेयर इज योर लेबर, लेबर सॉरी। सो अगर आपके पास के वन ऑफ लेबर है एंड यू हैव सॉरी के वन ऑफ कैपिटल एंड एल टू ऑफ लेबर, सो द ग्राफ विच इज देयर इज दिस वन। अपेरेंटली यू हैव के टू ऑफ कैपिटल एंड एल वन ऑफ लेबर, सो दिस इज गोना बी द ग्राफ, ठीक है।
इस ग्राफ के जो दो पॉइंट्स होंगे दैट इज गोना बी दिस वन, तो इसमें जो भी कन्वेक्स कन्वेक्स टू ओरिजिन, कन्वेक्स टू ओरिजिन जो को बनेगा दैट इज गोना बी द आइसोक्विंट। ठीक है, अपेरेंटली अगर हम लेबर बढ़ा ले तो हमारी कैपिटल जो आउटपुट होगा उसमें भी इंक्रीज होगा। ठीक है, दिस शोज द नंबर ऑफ आउटपुट। ओके, अब आते हैं हम द शॉर्ट रन कॉस्ट एंड द लॉन्ग रन कॉस्ट में। देखो, अगर हमें कोई भी फर्दर एनालिसिस करनी है तो हमें दो कंसेप्ट डिस्कस करने पड़ेंगे, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। व्हाट इज शॉर्ट रन? शॉर्ट रन इज फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड लॉन्ग रन इज फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सो इन शॉर्ट रन एटलीस्ट वन ऑफ द फैक्टर लेबर और कैपिटल कैन नॉट बी वेरीड, देयरफॉर रिमेन फिक्स्ड। शॉर्ट रन में आपका लेबर और कैपिटल इज फिक्स्ड। ठीक है, आप इनको चेंज नहीं कर सकते हैं, इट कैन नॉट बी वेरीड। इट कैन बी वेरी ओनली ठीक है, इन ऑर्डर टू वेरी द आउटपुट लेवल द फर्म कैन वेरी द अदर फैक्टर्स, द फैक्टर दैट रिमेन फिक्स्ड इज कॉल्ड फिक्स्ड फैक्टर। देखो, अगर लेबर एंड कैपिटल ये दोनों तो फिक्स्ड है, इनको तो हम चेंज कर ही नहीं सकते, बट अगर हमें आउटपुट में चेंज चाहिए तो हम और अदर फैक्टर्स को में चेंजेस ला सकते हैं। तो ये दोनों तो ऐसे फैक्टर होंगे जो कि फिक्स्ड है, सो दैट्स वाई दे आर नोन एज फिक्स्ड कैपिटल्स। वो कैपिटल्स जो फिक्स होते हैं, जो चेंज नहीं होते, दैट आर द फिक्स्ड कैपिटल, एंड फैक्टर जो वेरी कर सकते हैं आर वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक है, लॉन्ग रन में अगर हम देखें तो हर प्रोडक्शन को हम वेरी कर सकते हैं। ठीक है, इन क्योंकि लॉन्ग रन में हम एक लंबा टाइम पीरियड देख के चलते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक लंबा टाइम पीरियड है तो हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं वेरी इजीली। ठीक है, अब शॉर्ट रन के लिए आप ऐसे थोड़ी ना करोगे। सपोज विल टेक एन एग्जांपल ऑफ शॉर्ट रन, तो आप ऐसे थोड़ी ना करोगे कि ठीक है सपोज आपके पास 5 आवर्स का टाइम है। ठीक है, टेक एग्जाम्पल, आप ऐसे थोड़ी ना करोगे कि ठीक है 2 घंटे से 4 अगले 12 के तो 3 घंटे वो हम इतना काम करेंगे। ठीक है, दिस इज़ फिक्स्ड कि 5 घंटे का आपका जो प्रोडक्शन है वो फिक्स रहेगा, बिकॉज दिस इज़ एन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम इतनी बेसिक चेंजेस नहीं करते हैं। ओके, सो हियर। और अगर लॉन्ग रन है तो हमारे पास काफ़ी बड़ा टाइम होता है तो हम चेंजेस कर सकते हैं। सो देयर इज जो हमारे इनपुट्स है वो सिमिलेटेसली वेरी कर सकते हैं, देयर बाय देयर इज नो फिक्स्ड फैक्टर इन लॉन्ग रन। ठीक है, हाँ, जो लॉन्ग रन है वो जनरली शॉर्ट रन के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा टाइम होता है, हमने पहले ही पढ़ लिया। ठीक है, वेट अ मिनट, वी डिफाइन अ पीरियड ऑफ लॉन्ग रन और शॉर्ट रन बाय सिंपली लुकिंग एट वेदर। हाँ, हम कोई भी चीज़, कोई भी टाइम पीरियड को तभी लॉन्ग रन या शॉर्ट रन तभी डिक्लेयर करते हैं जब उसके अंदर के इनपुट्स वेरी करते हैं या नहीं। अगर इनपुट्स वेरी करते हैं तो इट मीन्स इट इज़ अ शॉर्ट रन, एंड अगर नहीं करते तो दैन मीन इट इज़ अ लॉन्ग रन। ठीक है, सो अब हम पढ़ते हैं टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, लास्ट चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके थे, कुछ ऐसी ऐसी टर्म्स डिस्कस की थी हमने, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट इधर है, बट इन प्लेस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी देयर इज प्रोडक्ट। ठीक है, सो टोटल प्रोडक्ट इज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट डेट वी प्रोड्यूस। ठीक है, जितना भी वेरिएबल इनपुट और आउटपुट, मतलब जितने भी हम दिस द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल इनपुट्स कीपिंग ऑल अदर इनपुट्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, जब इनपुट वेरिएबल इनपुट है तो बाकी सारे तो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, कॉन्स्टेंट और इनपुट को मिला के जो हम टोटल प्रोडक्शन करते हैं इज नोन एज टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, कितना हमारे पास टोटल प्रोडक्शन है डैट इज टोटल प्रोडक्ट। एंड व्हाट इज एवरेज प्रोडक्ट? एवरेज प्रोडक्ट इज द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। ठीक है, वेरिएबल इनपुट का है ये बात ध्यान रखनी है कि हर एक पर्सन कितना चीज़ प्रोड्यूस करता है, डैट इज़ एवरेज। एवरेज तो हमें पता ही क्या होता है, एवरेज पर एवरेज प्रोडक्ट इसका फॉर्मूला होता है। एवरेज, अगर हमें एवरेज प्रोडक्ट निकालना है तो हमें निकालना होता है सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द लेबर्स। ठीक है, तो हमें एक एवरेज प्रोडक्ट मिल जाता है। व्हाट इज़ मार्जिनल प्रोडक्ट? मार्जिनल प्रोडक्ट इज़ द एडिशनल, हमने पढ़ा था ना पहले भी, जब सारे इनपुट्स, देखो मार्जिनल प्रोडक्ट इज एन इनपुट, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट इज डिफाइंड एज अ चेंज इन आउटपुट पर यूनिट चेंज। हर एक पर कितना यूनिट चेंज आता है, ठीक है, जबकि ऑल इनपुट कॉन्स्टेंट होने के बावजूद भी जो
चेंज आता है, ठीक है, जब कैपिटल कॉन्स्टेंट है और जो आउटपुट में चेंज है डैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट को चेंज का फॉर्मूला होता है चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट। इनपुट में हम कितना चेंज करेंगे तभी तो आउटपुट में चेंज आएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट, ठीक है। सो इट इज चेंज इन टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर। सो हियर अब हम इधर टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। सो टोटल प्रोडक्ट तो गिवन होता है बेसिकली कि कितना हम टोटल प्रोड्यूस कर रहे हैं। एमपी इज द चेंज, ये बात याद रखनी है, चेंज ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ लेबर, ठीक है। सो हमारे जो टोटल प्रोडक्ट है डेट इज 10, ठीक है। सो सबसे पहला जो हमारा प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट है व्हेन द लेबर इज जीरो इज जीरो, ठीक है। तो एमपी इधर तो कोई चेंज है ही नहीं, वो तो फिक्स है। तो जब हम एक लेबर लाते हैं, एक इंक्रीमेंट लेकर आते हैं, तो टोटल प्रोडक्ट में भी इंक्रीमेंट होता है 10 का। सो एमपी विल बी 10 डिवाइडेड बाय 1 व्हिच इज 10, ठीक है। एंड द एवरेज विल बी आल्सो 10 बिकॉज हम क्या डिस्कस करते हैं, टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय लेबर इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट एपी, राइट। सो 10 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 10। सो अगर हम एक और चेंज करते हैं एंड द लेबर इज 2, तो जो टोटल प्रोडक्शन है वो 424 हो जाता है। तो जो 24 डिवाइडेड बाय 2 इज आर सॉरी नॉट 24 डिवाइडेड बाय 2 बट चेंज इन टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर। टोटल प्रोडक्शन में कितने का चेंज है 14 का और इसमें कितने का डिफरेंस है 1 का। सो हेयर द मार्जिनल प्रोडक्ट इज गोन बी 14 एंड द एवरेज प्रोडक्ट इज गोन बी 24 डिवाइडेड बाई 2, राइट। सो इट इज गोन बी 12, ठीक है। इसी बेसिस पे हम ये पूरा चार्ट कवर कर सकते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। देखो जैसे हमने पहले पढ़ा था वैसा ही है कि देखो अगर हमारी ये है हमारा दिस इज आर आउटपुट एंड दिस इज आर लेबर, ठीक है। जब तक हमारा लेबर हमारी जो टोटल प्रोडक्शन है वो आप देखो देर इज एन इंक्रीमेंट इन आर टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। द आउटपुट डेट वी प्रोड्यूस इज अराउंड 55। तो हमारा इस ऐसे सिचुएशन में हमारा जो एवरेज प्राइस है इन सभी को ध्यान में रखते हुए इट विल वो शुरू तो 1 से ही होगा, 0 से तो नहीं स्टार्ट होता एवरेज प्रोडक्ट। 1 से डिवाइड करेंगे हम तो पहले इट विल राइज कॉन्स्टेंटली टिल हेयर एंड देन इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग इन अ कॉन्स्टेंट लेवल, ठीक है। कैसे ये डिक्रीज कर रहा है डैट इज़ ए पी, ठीक है। जबकि हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट होगा उस पर अगर हम देखें तो हेयर इट विल राइज कॉन्स्टेंटली एंड देर विल बी अ डिक्रीमेंट इन इट, ठीक है। सो ये जो टेंडेंसी है जिसमें मार्जिनल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज होता है और फिर डिक्रीज होता है डैट इज़ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। सपोज देखो हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ना वो डिक्रीज करना शुरू कर सकता है बिकॉज एट अ लेवल सपोज, ठीक है, आपके पास है देखो हमारे पास है दो सपोज हमारे पास है सिंगल लेबर। जब हमारे पास सिंगल लेबर है वी कैन प्रोड्यूस अ वन यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। उसके बाद हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक और लेबर और ये बढ़ के हो जाता है 3 यूनिट्स, ठीक है। देन वी इंट्रोड्यूस वन मोर लेबर और हमारा जो आउटपुट है डैट बिकम्स 12 यूनिट्स। उसके बाद आप चाहे जितने भी ये लेबर्स इंट्रोड्यूस करवा दो ये 12 ही रहेगा, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारी मार्जिनल जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज करना शुरू कर जाए। सारा सेम है जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, लास्ट वाज जस्ट यूटिलिटी एंड दिस इज प्रोडक्शन, ठीक है। आप लास्ट चैप्टर से इसको रिलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन का कर्व कैसे बनता है। सो यहाँ पे देखो जो टोटल प्रोडक्शन का कर्व होता है डैट इज एन इनवर्स एस शेप्ड, ठीक है, क्वांटिटी एंड लेबर। वेदर
द एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट। सो यहाँ पे देखो, एवरेज प्रोडक्ट, सॉरी एवरेज प्रोडक्ट ऐसे और इस पॉइंट पर आके डिक्रीज करना शुरू कर जाता है। सेम बिकम्स द आउट विद द आउटपुट, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू स्केल क्या होता है? व्हेन अ प्रोपोर्शन इन ऑल इनपुट रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन आउटपुट बाय द सेम प्रोपोर्शन, द प्रोडक्शन फंक्शन इज सेट टू डिस्प्ले कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। मतलब जितना हमारा प्रोपोर्शन इंक्रीज हो रहा है आउटपुट में, सॉरी इन इनपुट में, फिर आउटपुट भी सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है। सपोज दिस वॉज योर इनपुट, ठीक है, दिस इज योर इनपुट एंड दिस इज योर आउटपुट एज वेल, ठीक है। अगर आप इसमें एडिशनल करते हो तो आउटपुट भी सेम लेवल में ही इंक्रीज कर रहा है, डैट इज रिटर्न टू स्केल, ठीक है, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। व्हेन अ प्रोपोर्शन इंक्रीज इन अ इंक्रीज इन ऑल इनपुट रिजल्ट इन एन इंक्रीज ऑफ आउटपुट बाई लार्ज प्रोपोर्शन, सपोज वेल। और सेम अगर आपके पास है, दिस इज योर इनपुट एंड दिस इज योर आउटपुट, बट वेन यू इंट्रोड्यूस वन मोर इनपुट, आपका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है ज़्यादा लेवल पे, ठीक है। इट इंक्रीज इन अ लार्जर प्रोपोर्शन, अगर लार्जर प्रोपोर्शन में ये इंक्रीज हो रहा है आउटपुट, डैट इज आई आर एस विच इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और बिल्कुल अपोजिट, दिस इज योर प्रोडक्ट, दिस इज योर आउटपुट एंड दिस इज योर इनपुट, अगर आप एक और आउटपुट इंट्रोड्यूस करो बट आपका एक और इनपुट इंट्रोड्यूस करो बट आपका आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, दिस इज नोन एज द डी आर एस और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ओके, सो डैट इज इट। अब हम आते हैं कॉस्ट के ऊपर। कॉस्ट क्या है, हमने अभी ऊपर पढ़ा। अब कोई भी चीज़ मार्केट पे खरीदने जाते हो तो आपको उसका एक पर्टिकुलर कॉस्ट होता है जो कि पे करना पड़ता है ना। और वैसे ही अगर कोई फर्म है जिसको इनपुट खरीदना है टू प्रोड्यूस आउटपुट, उसको भी वो इनपुट का पे करना ही पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ पे देयर कैन बी मोर देन वन इनपुट कॉम्बिनेशन विद विच अ फर्म कैन प्रोड्यूस टू डिजायर लेवल ऑफ आउटपुट। ऐसा हो सकता है, सपोज एक किसी भी फर्म को 2200 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, तो वो एक से ज़्यादा का एक तो वो बना सकता है, ठीक है, बंडल्स बना सकता है, कॉम्बिनेशन बना सकता है इनपुट्स का, ताकि वो ज़्यादा ज़्यादा आउटपुट या फिर डिजायर लेवल ऑफ आउटपुट बना सके। द फर्म चूजेज द लीस्ट कॉस्ट इनपुट कॉम्बिनेशन। कोई भी फर्म होगा वो सबसे सस्ता, जिसका सबसे कम रेट होगा वही इंट्रोड्यूस करेगा, ताकि क्योंकि एक फर्म का मेन मोटो क्या होता है, द मेन मोटो ऑफ द फर्म इज टू प्रोड्यूस प्रॉफिट, राइट, ठीक है। तो दस द कॉस्ट फंक्शन डिस्क्राइब्स द लीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच लेवल ऑफ आउटपुट गिवन प्राइसेस ऑफ द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी। कोई भी जब हम प्रोड्यूस कोई भी सपोज अगर आप एक चिप्स का पैकेट ही खरीदते हो तो उस चिप्स के पैकेट का जो रेट होता है, सपोज एक 10 रुपीज़ का पैकेट लेते हैं, तो उस 10 रुपीज़ के अंदर उसका प्रोडक्शन का कॉस्ट, ठीक है, मशीन वगैरह जो भी लगता है, उसके इनपुट का कॉस्ट, उसके अलावा उसको बनाने में जो टेक्नोलॉजी लगी उसका कॉस्ट, साथ साथ में GST और डिफरेंट टाइप के टैक्सेस भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है, तो उस 10 रुपये में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द शॉर्ट रन कॉस्ट, ठीक है। शॉर्ट रन हम तो हमने पढ़ लिया, अब हम शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो भी इनपुट हम मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हम पढ़ने वाले, ठीक है, जो भी फिक्स्ड इनपुट्स होते हैं, फिक्स्ड इनपुट्स, तो जो भी फिक्स्ड इनपुट्स होते हैं उन उसका जो कॉस्ट एक फर्म इनकर करती है, ठीक है, इन फिक्स्ड इनपुट्स के लिए भी तो जो भी फर्म होती है उसको कुछ कॉस्ट देना पड़ता होगा, तो डैट इज दे आर नोन एज द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, द TFC, ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। सो अब देखो, हम जितना भी अगर जितना रिक्वायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट है वो तो एक फर्म प्रोड्यूस करती ही है, अगर वो शॉर्ट रन में प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, तो वो
वेरिएबल इनपुट्स ही होंगे, ठीक है। वेरिएबल इनपुट्स में वो ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्ट कर सकती है ना, ताकि जितना उनको चाहिए इतना वो प्रोड्यूस कर सके। तो फिर जैसे देखो, लैंड और लेबर है, ठीक है। अगर लैंड है तो आप ऐसे थोड़ी ना बोलोगे कि ठीक है मैं अभी 2 दिन में इतना हेक्टर लैंड खरीद लेता हूँ। बट आपको एक पर्टिकुलर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चाहिए होता है ना एक ऐसी चीज़ करने के लिए। सो दैट इज़ उस इसमें नहीं आती है, वो आती है शॉर्ट रन में, ठीक है। वो शॉर्ट रन में कवर करता है, ठीक है। तो फिर अकॉर्डिंगली द कॉस्ट ऑफ द फर्म इनकर टू एम्प्लॉय दिस वेरिएबल कॉस्ट। अब जो वेरिएबल कॉस्ट है, उन वेरिएबल कॉस्ट के लिए जो इनपुट इन इनपुट इसके लिए जो इनपुट अकर करने के लिए जो कॉस्ट गवर्नमेंट पे फर्म पे करती है, डैट इज नोन एज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू TVC प्लस TFC। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट SAC। एवरेज कॉस्ट क्या होता है ये तो हमने पढ़ लिया। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इज द कितना एवरेज है, ठीक है। शॉर्ट रन में जो भी इनपुट है, मतलब टोटल इनपुट हमने डिस्कस कर लिया, डैट इज TC विच इज TVC प्लस TFC। तो अगर हमें इसका एवरेज निकालना है तो डैट इज SAC, बिकॉज डैट इज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। सो SAC इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई द क्वान्टिटी, ओके। डैट विल बी द एवरेज, राइट। वेयर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, अगर हमें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिस्कस करना है तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्वान्टिटी, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्वान्टिटी, ठीक है। और वैसे ही अगर हमें स्मॉल रन एवरेज कॉस्ट करना है तो वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का सम हो सकता है, राइट, ठीक है। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, अगर वैसे हमें SMC डिफाइन करना है तो टोटल कॉस्ट पे, जब टोटल कॉस्ट के चेंज डिवाइडेड बाय द टोटल चेंज इन आउटपुट, ठीक है। टोटल कॉस्ट में जो चेंज है, डेट इज चेंज इन TC और डेल्टा TC, एंड चेंज इन आउटपुट इज डेल्टा क्वांटिटी, ठीक है। डैट इज SMC। सो इधर अब हम इन सभी को समराइज कर सकते हैं, ठीक है। TC यानी कि टोटल कॉस्ट, अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिवन होता है, राइट। दिस आर समथिंग विच इज गिवन। सो व्हाट इज टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ पे देखो, ये है हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड दिस इज TVC, द सम ऑफ दिस इज 20। वेयर हेयर द सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विच इज 20 एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट विच इज 33 इज इक्वल टू 53, राइट। एंड इफ वी टॉक अबाउट द 10th आउटपुट इन योर 10 यूनिट्स, देन द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड, ठीक है। इट डिडन ये वेरिएबल नहीं होता, ये चेंज नहीं होता। दिस वन दिस इज समथिंग विच इज फिक्स्ड। सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज समथिंग विच वेरीज, राइट। सो टोटल फिक्स कॉस्ट इज 20 एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 95। सो द सम ऑफ दिस इज 115। सो दिस इज समथिंग विच इज आर टोटल कॉस्ट, राइट। सो नाउ इफ वी कम टूवर्ड आर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई द क्वान्टिटी। हियर इज सम आर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एंड इफ वी डिवाइड द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाई द क्वान्टिटी, देन विल गेट आर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। लेट मी क्लीन दिस फर्स्ट। Here, this is our we'll not take an example of the first one because 0 units is apparently 0. So the total fixed cost is 20 and the output is 1. So 20 divided by 1 is equal to 20, right? So here, if we come toward this one, the five output units, so 20 divided by 5 is equal to 4. So this is our average fixed cost. If now we come toward the average variable cost, this is total variable cost divided by the output, right? This is total TVC divided by the quantity. So here 20 divided by 1 is 10. Sorry, not 10 divided by 1 is 10. 18 divided by 2 is 9, and there goes the rest of. Okay. And small run average cost is the sum of average fixed cost plus average variable cost. So this sum is this, इन दोनों का सम इज दिस, और इनका सम हम देखें तो 11.5। फिर आता है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला था? वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इट। SMC का फॉर्मूला है चेंज इन टोटल
कॉस्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा इज चेंजेस, ठीक है, चेंजेस चेंज इन इज डिपिक्टेड बाय डेल्टा, डेल्टा टी सी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी। सो हेयर व्हेन आर, ठीक है, विल टेक एन एग्जांपल फ्रॉम 20 to 30। व्हेन आर टोटल कॉस्ट इज शिफ्टिंग फ्रॉम 20 to 30, द चेंजेस ऑफ 10, राइट, द चेंजेस ऑफ 10 एंड हेयर द चेंजेस ऑफ 8। सो व्हेन द चेंज इन टोटल कॉस्ट इज 10 एंड द चेंज इन क्वांटिटी, व्हेन आर क्वांटिटी मूव्स फ्रॉम 1 to 2, द चेंजेस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 10। हेयर इट इज एंड द चेंजेस इज 1 इन ऑल ऑफ द सिचुएशन। सो इफ इट कैलकुलेट ऑल वी गो एंड हेयर वी डिस्कस्ड अबाउट आर टोटल फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, स्मॉल शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट एंड शॉर्ट रन मार्जिनल मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। सो अब अगर हम देखें कि हमारे जो शॉर्ट रन कॉस्ट है उसके क्या क्या कर्व्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे टोटल कॉस्ट का कर्व, दिस इज ऑफ आर टोटल कॉस्ट, दिस इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है, ठीक है, वो तो अपेरेंटली सेम ही चलता जाएगा, जबकि हमारे ये मत बोलना कि इसका सम और इसका सम इज इक्वल टू दिस। सो जब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट विल बी दिस वन एंड आर टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज गोना बी दिस वन, ओके। सो ये जब आप खुद ट्राई करोगे तो आपको बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा। एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, बिकॉज दिस इज आर एफ एंड दिस इज आर क्वांटिटी, ठीक है, तो द जो कॉस्ट का कर्व बनेगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का, वो यहाँ से शुरू होगा। और एक बार ये याद रखनी कि ये कभी भी इधर से नहीं शुरू होता, जैसे मैंने अभी ऊपर पढ़ा कि हम फर्स्ट यूनिट से नहीं, अगले यूनिट में हम जाएंगे तभी हमें एवरेज मिलेगा, ठीक है। सो इसलिए बिल्कुल भी कभी भी बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं होता है फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है। अब हम आते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व इज अ यू शेप्ड कर्व, ठीक है। सो हेयर इज़ द टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व, तो हमारा जो टी वी सी का कर्व बनता है वो बनता है लाइक एस शेप्ड, ओके। सो अब बातें हैं हम जो हमारा शॉर्ट रन, ये है हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, हमारे एवरेज वेरिएबल का कॉस्ट का कर्व बनता है कुछ इस तरीके से। और हमारा जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है उसका जो वो बनता है कर्व, दिस इज़ फ्रॉम लाइक दिस। और जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है उसका कर्व बनता है ऐसा, ओके। अब हम पढ़ते हैं लॉन्ग रन कॉस्ट में, तो जो लॉन्ग रन कॉस्ट होती है, सॉरी, द टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट दे फॉर कंसाइड ऑफ द लॉन्ग रन, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। लॉन्ग रन में अभी हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था, एल आर ए सी विच इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्वान्टिटी, ठीक है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। सो देर इज नथिंग लाइक, इसमें सब कुछ फिक्स्ड होता है, देर इज नो लाइक, सॉरी आई वॉज रॉन्ग, सब कुछ वेरिएबल्स होता है, ठीक है, देर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट, तो इसलिए इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है, ठीक है। सो हेयर द एल आर एम सी इज दिस वन विच इज लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज दिस वन, ठीक है। सो हेयर डेट इज इट फॉर द वीडियो एंड द चैप्टर एज वेल, द नेक्स्ट चैप्टर इज गोना बी द चैप्टर 4 ऑफ क्लास 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स आई गेस। सो यस डेट इज इट, आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।